तो दोस्तों आज अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। दरअसल आप सभी जानते हो कि भारत अमेरिका से 30 की संख्या में प्रेडेटर ड्रोन खरीदना चाहता है। अब यह जो ड्रोन है उसकी बातचीत पहले भारत ने ठंडे बस्ते के अंदर डाल दी थी, क्योंकि अमेरिका हमें इस ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं देना चाह रहा था। साथ में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस ड्रोन को भारत में भी बनाने को तैयार नहीं था। अमेरिका का कहना था कि इस ड्रोन को भारत अमेरिका से ही बना बनाया लेकर भारत के अंदर यूज करे। हम भारत को ना तो तकनीक देंगे और ना ही इस ड्रोन की जो हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसके तहत किसी भी प्रकार से भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी हम नहीं करने वाले। परंतु अचानक से अमेरिका का यह जो मूड है वो बदला और भारत के लिए अमेरिका की कंपनी जनरल ऑटोनोमिक्स ने कह दिया कि हम इस ड्रोन की जो तकनीक है वो भारत को देने वाले हैं। और यह जो खबर है वो आज से लगभग 10 दिन पहले आई थी और आज यह खबर निकल के सामने आई है, जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हो, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि भारत और अमेरिका के बीच में 30 MQ-9B ड्रोन की जो डील है वो अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। परंतु अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है। पहला मुद्दा है इस ड्रोन की तकनीक को लेकर। दरअसल भारत के लिए ड्रोन की तकनीक तो अमेरिका ने ऑफर करी थी, परंतु कितनी तकनीक अमेरिका हमें देगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। साथ में इस ड्रोन का जो प्राइस है वो भी 800 करोड़ रुपए यानी $100 मिलियन है, जो कि भारत को काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 800 करोड़ रुपए के अंदर भारत के दो तेजस फाइटर जेट आ जाएंगे, क्योंकि एक तेजस की जो कीमत है वो लगभग $50 मिलियन के आसपास पड़ती है और इसमें 100 करोड़ रुपए और लगाए तो हमारा एक अमका फाइटर जेट आ जाएगा, क्योंकि एक अमका फाइटर जेट की जो कीमत है वो 900 करोड़ रुपए रखी गई है और इसी कारण से इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा लग रहा है भारत को। और इससे पहले आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देखिए, 2020 में इस ड्रोन का जो प्राइस है वो मैक्सिमम $32 मिलियन यानी 250 करोड़ से लगाकर 300 करोड़ रुपए के आसपास था। परंतु अमेरिका ने अचानक से इस ड्रोन की जैसे ही मांग बढ़ी तो इसका प्राइस भी बढ़ा दिया और भारत के लिए $100 मिलियन रखा है। और जैसे ही इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत खत्म होती है तो यह जो डील है वो फाइनल कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ भारत की एक और सबसे बड़ी शर्त है, वो यह है कि जैसे ही हम अमेरिका से अमेरिकन वेपन खरीदेंगे तो अमेरिका हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा कि आप इस वेपन को किस देश के खिलाफ यूज करो या फिर किस देश के खिलाफ यूज ना करो, क्योंकि एक बार हमने पैसे दे दिए तो हथियार हमारा है, हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश के खिलाफ यूज करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बाकी आप सभी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और यदि अमेरिका भारत की यह सब शर्तें नहीं मानता है तो क्या फिर भी भारत को अमेरिका से यह ड्रोन लेना चाहिए या फिर भारत के स्वदेशी ड्रोन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज़ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।